भाई साहब का नाम क्या है? मनोज चौधरी। जैसा कि आज यहाँ पर भंडारा हुआ है, ये कौन सी देवी है यहाँ पर? चामुंडा मंदिर। और गांव कौन सा? चामुंडा मंदिर गांव से। अच्छा, क्या यानी क्या विशेषता है, यानी क्या वो है यहाँ का पर्व, मतलब विशेषता है, क्या मान्यता है? कभी आओ पूजा करने के लिए, कोई मन्नत मांगो, आपकी मन्नत पूरी हुई। तो यहाँ पे कितने गांव की जनता आती है यहाँ पर? जनता तो और पास के सभी प्राचीन चामुंडा है, जैसे खेड़ेश्वर वाली चामुंडा मंदिर बोलते हैं, और पास के जितने भी गांव हैं खेड़ वाले मंदिर है, सभी लोग आते हैं। और जो भंडारे का जो आयोजन होता है, ये हर साल होता है? हर वर्ष होता है। और भंडारे के बाद में क्या प्रोग्राम रहेगा? भंडारे के बाद में रात्रि में साथ जागरण होगा, जिसमें तरह तरह के कलाकार होंगे, तरह तरह की झांकियाँ होंगी, और मुख्य अतिथि होंगे, अतिथि होंगे, ग्रामवासी होंगे, क्षेत्रवासी होंगे। यानी चावल जो मैया तुम्हारी, इनकी मान्यता ज़्यादा है यहाँ पर? जी जी। और जो जिनकी मुराद है, मतलब कोई मुराद पाने आता है तो मुराद मिल जाती है? जी, मुराद। ताकि भंडारे का आयोजन चल रहा है और यहाँ पर हलवाई क्लब अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमारे राजकुमार भाई जी हैं यहाँ पर। तो राजकुमार भाई जी, किस प्रकार से चल रहा है? बहुत अच्छा, हर साल हमारी जी पैसे का हम करते रहते हैं, ठेकेदार जी हमारे। अरे, किस नाम से पुकारे जाते हैं ठेकेदार? उमेश नंगरिया। ये हलवा तैयार हो रहा है यहाँ पर, पकौड़ी तैयार हो रही है, भोजन की पूरी पूरी व्यवस्था है, प्रसाद पूरा है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता समाज के। चलो।